पूरा बाइक लेके घूमा हूं वो जमाना 2016 में आया था 2016 में तो दोस्तों अभी 5:55 हो चुके हैं और मैं अपना रूम छोड़ रहा हूँ। ये था मेरा रूम और नीचे जाकर आपको दिखाता हूँ कौन सा होटल है। तो चलिए आज थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ रहा है। ओपन इट ओपन इट कम ऑन बाहर ले आ रहा। तो ये था होटल सनशाइन रेजिडेंसी, ओयो का ही बुक किया था मैंने। तो चेन्नई से आपको जो मेरे गियर्स हैं उनमें बदलाव दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने पैंट जैकेट और ग्लव्स चेंज कर दिए और अब मैं यूज़ कर रहा हूँ बीबीजी स्टफ़, बाइकिंग ब्रदरहुड स्टफ़। चलो भाई तो टोटल जो डिस्टेंस है हैदराबाद तक का वो है 631 किलोमीटर जो गूगल दिखा रहा है, और टाइम ये जो दिखा रहा है वो है 11:02। तो जब मैं कल आया था चेन्नई, तो कल नहीं परसों आया था मैं, एक्चुअली एक दिन मुझे एक्स्ट्रा रुकना पड़ा बिकॉज ऑफ चेन स्प्रॉकेट, क्योंकि यहाँ पर मेरा चेन स्प्रॉकेट चेंज हुआ है बाइक का। नज़ारे सामने लिखिए, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस टाइम, हालत खराब हो गई। मतलब फोन किया कहाँ है तो? अरे फोन देखो, उसकी बैटरी देखो बिल्कुल खत्म होने वाली है, मैं इसलिए नहीं उठा रहा था। हाँ अरे बाप रे, हाँ अभी ऑन किया मैंने, पूरे दिन बंद था, चालू नहीं किया मैंने। एक मिनट। तो अभी हम पहुँचे हैं चार मीनार नाइट आउट करने के लिए, और गाड़ी हमने पीछे लगा दी। पहले जब मैं आया था 2016 में, तब अपनी बाइक इसके चारों तरफ लेके गया था, लेकिन अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं तो गाड़ी आगे ज़्यादा लेके नहीं जा सकते। यहाँ पर देखिए सारी बाइक्स वगैरह यहीं पर लगानी पड़ती हैं, और पीछे गाड़ी है हमारी। तो अभी मेरे साथ है सदा अन्ना, हेलो, जो कि हैदराबाद से ही है, और पृथुदा को तो आप जानते ही हैं, येलो हिमालय। और ये है भाई, मेरे को नाम शाहरुख खान मेरे को मालूम है। तो ये देखिए पीछे देखिए चार मीनार है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो सदा ना इसकी हिस्ट्री क्या है चार मीनार की?
पूछा गया है, ये एक निजाम के ज़माने में एक वायरल डिसीज स्प्रेड हुआ था कॉल्ड कलरा, एंड उसके वो टाइम पे उनको कुछ ये आइडिया आया कि बहुत लोग मरते जा रहे थे वो टाइम पे उनको कुछ आइडिया आया कि एक निशानी बनाया जाए जिसकी वजह से हैदराबाद का पहचान हो जाए। तो जब से ये बना है लोग बोलते हैं कि वो डिसीज़ वही टाइम पे रुक गया था और एक निशानी हैदराबाद का इस चार मीनार के नाम से रह गया। तो ये जो मॉन्यूमेंट है ये कॉलेरा डिजीज़ की वजह से बना? हाँ, उसके निशानी है। ओके, तो ये है इसकी हिस्ट्री और काफ़ी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर चारों तरफ ठेले वालों की दुकानें भी लगी हुई हैं, फ्रूट्स वगैरह बेच रहे हैं और एक टेम्पल है। ओके, तो भाग्य लक्ष्मी टेम्पल भी है यहाँ पर। और ये देखिए हमारे दादा ज़बरदस्त वाली फोटोग्राफी करते हुए अरे गजब, मतलब नाइट फोटोग्राफी चल रही है। डिवाइडर था थोड़ा थोड़ा आगे तक था। अरे यहाँ तो मैं पूरा बाइक लेके घूमा हूँ। वो जमाने 2016 में आया था, 2016 में, तो 3-4 महीने हो रहे हैं। अच्छा, 3-4 महीने रिस्ट्रिक्शन लगा के। तो एक बहुत अच्छा शॉट मिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर बाइक लगाने का। और एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ की जो लाइटिंग है वो काफ़ी अच्छी कर रखी है। देखिए पीछे कभी लाल होती है, नीली होती है, हरी होती है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल कर रखा है इसको। घूमते थोड़ी सी बारिश आ गई है तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर हम कुछ खा पी लें। डोसा बटर। तो आ गया ही बटर डोसा। सो गाइस, ये है मैसूर बोंडा। इसका क्या है इसके अंदर दादा? आटा बस, कुछ नहीं। एक्चुअली लोग बोलते हैं कि इसमें मैसूर रहता है, मैं तो बचपन से मैसूर रहता है इसके अंदर। तो चलो इसको इसको फोड़ के देखते हैं इसके अंदर मैसूर मिलता है कि नहीं। आटा मिलेगा। ये देखो मैसूर। लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, चीज़ भी वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल मैदा लग रहा है मुझे। तो मैदा ही है ना? हाँ, तो मैदे का बना हुआ है ये। चलो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अन्ना आपको कैसा लग रहा है? सही है थोड़ा ठंडा है लेकिन। ये मलबरी का मलाई है। ओके, ये फेमस है रेशम का रेशम का कीड़ा होता है, इसका पत्ता ही जो फूड है उसका पत्ता डालते हैं खाने के लिए। सैतूत बोल रहे भाई, चार महीने वाले फल बोल। चार बोतल में डालो टोटल। सो गुड मॉर्निंग गाइज, और अभी मैं हूँ गंडीकोटा में। जस्ट आप देख सकते हैं मैं उस पहाड़ी पर जा रहा हूँ। हाँ, आपको जो नज़ारा है वहाँ से दिखाता हूँ, बाकी जो वीडियो है वो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। कल जब आए थे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बस यहाँ पर पहुँच कर वीडियो वगैरह शूट करिए। बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ एक टूरिस्ट आए हुए हैं। बाकी अभी मैं ट्रैक कर रहा हूँ उस पहाड़ी पर, वो देखिए
तो वहाँ से जो व्यू होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अमेजिंग है। लेट्स गो, शाबाश। बहुत, ओ भाई कांटे ही कांटे हैं यहाँ पर चिलमन में। आराम से बेटा, तो यहीं से ऊपर चढ़ा जाएगा टॉप के लिए। लेट्स गो रुतुदा। तो ऊपर पहुंच गया हूं। गंडीकोटा के कैसा लगा? बहुत बढ़िया, एकदम झकास। तो यार नज़ारा एक बार आप देख लीजिए, ये देखिए काफ़ी सारी सेल्फीज़ वगैरह ली है। अगर मौका मिला, अगर हवा कम होती है तो ड्रोन शॉट्स और लेते हैं ऊपर चलकर। Oh my God!